हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोग के लिए करी पत्ता की सूखी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो चटनी है ना, आप किसी के साथ खा सकते हैं, जैसे कि सैंडविच के साथ, वड़ा पाव के साथ, पकौड़े के साथ, किसी भी पकौड़े के साथ खा सकते हैं, दाल चावल, रोटी पूरी, पराठे। तो ये जो चटनी है ना, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होती है। करी पत्ता को कई जगह पे मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चटनी है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनती है। इसे हम मात्र 15 मिनट के अंदर में बनाकर तैयार करेंगे और आप महीनों तक स्टोर करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। करी पत्ता की सूखी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एकदम फ्रेश करी पत्ता, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। करी पत्ता तो बहुत ही इजीली कहीं पे भी मिल जाता है, इसे आप मार्केट से बिल्कुल भी ना खरीदें, ये आसानी से घर के आसपास ही लगे होते हैं। तो आप इस तरीके से इसे गुच्छे में तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इसे हमें धो लेना है, और धोकर इस तरीके से ये देखिए इसके पत्ते को निकाल लेना है। अगर खराब पत्ते हैं तो इसे हम अलग कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम पंखे के नीचे रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना सूख जाए। तो आप देख सकते हैं करी पत्ता का जो एक्स्ट्रा पानी अच्छे से सूख गया है। तो चलिए हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, गैस का फ्लेम हमें लो पे रखना है। इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल। आप अपनी पसंद के किसी भी कुकिंग ऑयल में इस चटनी को बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इस चटनी का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तेल में हम सारे करी पत्ते को डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पत्ता जो है ना थोड़ा सा डार्क होने लगेगा, आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे से ये श्रिंक होने लगेगा और थोड़ी ही देर में क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लगातार चलाते हुए करी पत्ते को भून लेना है। पत्ते जो है आपस में चिपक जाते हैं, तो अलग करते हुए अच्छे से इसे भून लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, करी पत्ता जो है हमारा अच्छे से भून गया है। तो इसे हम फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस चटनी को आप जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनती है। आप देख सकते हैं करी पत्ता कितना ज्यादा क्रिस्पी हो गया है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी के करीब मूंगफली, और इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। करी पत्ता जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। करी पत्ता को खाने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आंखों के लिए, हड्डियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है, और सबसे बड़ी बात वजन भी कम होता है। तो आप देख सकते हैं बातों ही बातों में हमारी मूंगफली भी भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां, और इसे भी हमें अच्छे से मूंगफली के साथ भून लेना है। मूंगफली जो है हमारी चिटकने लगी है, इसका मतलब है मूंगफली भी अच्छे से भून गई है। गैस का फ्लेम हमें लो पे रखना है। तो आप देख सकते हैं लहसुन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इतना ही हमें लहसुन को भूनना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब जीरा और 10 से 12 सूखी लाल मिर्च। तीखा आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। सूखी मिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें थोड़ी देर भून लेना है। फ्रेंड्स, चटनियाँ तो आपने बहुत तरीके से बनाकर खाई होंगी, लेकिन एक बार आप करी पत्ते की ये सूखी चटनी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, और मैं यकीन के साथ कहती हूँ आप सभी को ये चटनी जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस चटनी को बनाइएगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस तरीके से इस चटनी को बनाया है। तो इधर मैं 1 छोटे चम्मच के करीब डाल देती हूँ सफ़ेद तिल। तिल भी डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। जब तिल डालेंगे ना तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, और इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है ताकि कोई भी चीज़ जले ना। चलाते हुए जब कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब नारियल का बुरादा। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। नारियल का बुरादा डालने के बाद, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद, अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है ताकि नारियल का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। अगर आपको नारियल का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे इस चटनी में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें नारियल भी डाला है। तो अच्छे से सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं लुक वाइज ये कितना ज़्यादा देखने में बढ़िया लग रहा है। तो इसे हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं, तब हम इसकी चटनी बनाएंगे। मूंगफली भी अच्छे से भुन गई है, करी पत्ता भी हमारा अच्छे से भुन गया है,
और इधर आप देख सकते हैं सारी जो मिक्सचर हमने भूनकर तैयार किया था ना, वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डालेंगे ये जो चटनी बनाने के लिए हमने भूनकर तैयार किया था ना, सारे मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सारे मिक्सचर को मैंने डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी सारी चीज़ें हमने भूनी है ना, उसमें से अगर कोई चीज़ भी आपके पास ना हो, इसके बगैर भी आप इस चटनी को बना सकते हैं, तभी भी इसका फ्लेवर वैसा ही लगेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी बनती है। करी पत्ता डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब हींग, एक बड़े चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। इससे जो चटनी का फ्लेवर है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, यानी कि एक छोटे चम्मच के करीब। हींग जो है भूनते टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो हींग का जो फ्लेवर है ना, खत्म हो जाता है। तो इसे हम इस तरीके से, ये देखिए, दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। मिक्सी को रुक रुक के चलाना है, तो इस तरीके से चटनी हमारी बनकर तैयार होती है। लगातार चलाएंगे तो एकदम लिक्विड टाइप की चटनी बन जाती है, तो हमें इस तरीके से सूखी चटनी बनाकर तैयार करना है। सारी चटनी को मैं बाउल में निकाल ले रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हमारी चटनी जो है बनकर तैयार हुई है। इस चटनी को आप किसी भी खाने के साथ खाइए, सभी खाने का स्वाद ये जो चटनी है ना, बढ़ा देगी। फ्रेंड्स, मैं यकीन के साथ कहती हूँ, तो एक बार इस चटनी को बनाना बनता है। फ्रेंड्स, मैं वेट करूंगी कि आप कब इस चटनी को बनाएं और मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि कैसी आपकी चटनी बनी थी, कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी सी ये चटनी बनकर तैयार हुई है। इस चटनी को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे कांच का जार लिया है, जिसे अच्छे से मैंने धो लिया है, सुखा लिया है, बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। आप प्लास्टिक का जार लें या कांच का, बस अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। तो सारी चटनी को मैंने जार में निकाल लिया है और ये देखिए लुक वाइज ये कितना ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप 15 मिनट में करी पत्ता की सूखी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में सभी को आपके बहुत ही ज्यादा ये चटनी पसंद आएगी। नहीं यकीन है तो एक बार बनाकर तो देखिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, सभी को ये चटनी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। करी पत्ता की हेल्दी सी चटनी की रेसिपी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो इस तरीके से आप करी पत्ता की बेहतरीन हेल्दी सी चटनी बनाकर महीनों तक इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।